आप सबको मेरी नमस्ते। इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दिवाली बस कुछ ही दिनों की अब रह गई है ना, तो हम आपके लिए लेके आए हैं चार मिठाई के रेसिपीज, तो जो बहुत ही आसानी से और ना झटपट से बन जाती है और कोई भी आसानी से बना लेगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये रेसिपी बनानी है, घर में मिठाई बनानी है, बाज़ार वाली मिठाई का तो आप सब जानते ही हैं कैसी होती है, तो देखिए हमारी ये रेसिपीज़। तो सबसे पहली वाली तो रेसिपी, चलिए फ्रेंड्स रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमने आधी कटोरी चीनी ले ली और इसको अभी हमने पीस लेना है। तो सबसे पहले तो ये काम करते हैं, इसके अंदर तीन हमने मिला दी इलायची साबुत वाली। अब इसे बारीक पीस लेते हैं इस तरह से। तो हाथों से देख लीजिए, अगर थोड़ी भी दरदरी सी लग रही है आपको तो आप इसे छान लीजिए। अगर एकदम से बारीक है तो छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही बारीक हो चुकी है, इसे मैं नहीं छान रही। तो ये एक मैंने अभी ले लिया बड़ा बर्तन, उसके अंदर चीनी को डाल दिया और ये हमने आधी कटोरी ताजी वाली मलाई है ना जो घर में होती है हमारे, तो वो मैंने डाल दी है। अभी इनको मिक्स कर देना अच्छे से दोनों को। तो कुछ टाइम लगेगा मिक्स करते हुए, 5 से 7 मिनट तो लग ही जाते हैं और ये लिक्विड सी क्रीमी सी बन जाती है। फिर इस तरह से मिलाते मिलाते ये देखिए, अभी थोड़ा और मिला लेते हैं। तो ये देखिए अभी अभी ये हो चुकी है अच्छे से। तो अभी हमने ये एक कटोरी ले ली भुना चना। तो चना वही है जो मार्केट में मिलता है, इसके छिलके ना जो वो उतरे हुए हैं, तो अभी इसे हमने पीस लेना है। तो वही जार ले लिया मैंने, तो इसे अभी पीस लेते हैं। तो कटोरी, एक ही कटोरी का नाप रखिए। इस तरह से मैंने पीस लिया, जिस कटोरी से मैंने आधी चीनी ली थी ना, आधी कटोरी, वही कटोरी से मैंने चने लिए हैं। तो इसे अभी छान लेते हैं, क्योंकि जितने भी देखे चने के हो चुके हैं लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ रह जाता है दाने वगैरह इसके अंदर, इसलिए इसे छानना ज़रूरी है। तो ये देखिए इसे मैंने अच्छे से छान लिया और ये अभी बच गया वेस्ट। अभी इसके अंदर जाएगा नारियल का बुरादा, तो ये भी मैंने आधी कटोरी ली है। ये देखिए ये भी इसके अंदर मिला देते हैं। और अभी हमने क्या करना है, इसे हाथों से मिला ले रहे हैं सारी चीज़ों को। तो धीरे धीरे करते मिलाते जाइए, तो ये बहुत ही सॉफ्ट सा होने लग जाएगा। ये देखिए पहले काफ़ी सॉफ्ट होगा, फिर थोड़ी देर में ये हार्ड भी होने लग पड़ेगा। इस तरह से मिला लेना अच्छे से हाथों से ही। तो ये देखिए अभी थोड़ा सख्त हो चुका है ये। तो अभी इसे सेट करना हमने, तो ये मैंने एक ट्रे ले ली है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा दीजिए। तो मैंने इसे ग्रीस कर दिया चारों तरफ से घी से इस तरह से। तो अभी कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए मैंने, तो जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट्स हों वो आप इस तरह से पहले नीचे बिछा दीजिए छोटे छोटे पीस करके। ये देखिए तो अभी जो मिश्रण हमने तैयार किया ना उसको इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है इस तरह से, और इसे सेट कर देना है। तो अगर घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप झटपट से ये मिठाई बना सकते हो, और अगर आपका भी मन कर रहा हो कुछ मीठा खाने का तो आप इसे झट से बनाइए और खाइए। इस तरह से मैंने सेट कर दिया और 15 से 20 मिनट तक इसे जमने दिया मैंने। अगर फ्रिज में रखना तो 10 मिनट में ये जम जाती है। तो अभी ये देखिए 20 मिनट मैंने इसे बाहर ही रखा है। अब इसे बाहर निकालते हैं, हल्का सा इस तरह से मैंने किया ताकि थोड़ी सी हवा क्रॉस हो जाए। तो अभी मैंने एक प्लेट ले ली, इसको इस तरह से उल्टा किया और बड़ी आसानी से ये बिना बटर पेपर के घी लगा के इस तरह से बाहर आ जाती है। और अभी इसके पीसेस कर लेते हैं, और पीसेस करते समय तो ये जो ड्राई फ्रूट है ना ये शेप बिगाड़ देते हैं, तो सीधी सीधी नाइफ़ है जो वो नहीं चलती, तो टेढ़ी हो जाती है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है। तो ये देखिए सेंटर में आ गया बादाम का पीस, तो इस तरह से मैंने काट लिए। अभी इस तरह छोटे पीसेस कर लेने हैं जैसे आप चाहो, अगर बहुत छोटे पीसेस करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो सभी पीस इस तरह से मैंने कर लिए है, लेकिन इनमें एक कमी है, क्योंकि ये मार्केट जैसी दिख नहीं रही, तो इसके लिए हमने इसके ऊपर लगा दिया चांदी का वर्क इस तरह से। तो ये देखिए अभी कितनी बढ़िया लग रही है ना,
एकदम से मार्केट जैसी। तो अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ एक पीस। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट सी मिठाई तैयार है। तो अभी बना लेते हैं अपनी दूसरी वाली रेसिपी। तो ये हम बनाएंगे बेसन की बर्फी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी भर के ले लिया बेसन, कोई भी बेसन जो आपके घर में होता है वो ले लीजिए। और इसे अभी हमने 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है। बहुत ज़्यादा इसे गोल्डन नहीं करना हमने। जब आप इसे 4-5 मिनट भूनोगे ना तो इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा और खुशबू आने लग पड़ेगी। तो आप समझ जाना कि ये हो चुका है। ये देखिए अभी मुझे 4 से 5 मिनट हो गए भूनते हुए। तो ये अभी हो चुका है। अभी इसके अंदर जाएगा 1 कटोरी नारियल का बुरादा। तो वही हमने कटोरी माप करके रखी हुई थी जो हमने बेसन लिया। तो इसे हमने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा ही इसके अंदर मिक्स करना है। गैस आप चाहो तो बंद करके भी इसे मिक्स कर सकते हो क्योंकि बेसन बहुत गर्म है, लेकिन हमने गैस सिम रखी है, इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अब इसके अंदर जाएगा घी। तो देसी घी है जो गाय का, आप कोई भी भैंस का घी भी ले सकते हो, तो मार्केट वाला भी ले सकते हो। तो अभी हमने घी मिला दिया। अभी इसके अंदर मिला देना हमने चीनी। तो चीनी हम 2.5 कटोरी मिला रहे हैं। तो 1 कटोरी का माप आप रख लीजिए, उसी से ये सारा आप तैयार कर लीजिए सामान। तो ये 1 कटोरी हमने मिला दिया दूध बॉयल किया हुआ। तो सारी चीज़ें मिलाने के बाद अभी हमने इसको अभी पकाते जाना है। और जब तक ये चीनी अच्छे से घुल ना जाए, तो जब ये अच्छे से घुल जाएगी ना तो बहुत ही पतला सा ये बन जाएगा। अब इसे पकाते जाते हैं। तो बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है और आसान भी है। ये हमने मिला दिया इलायची का पाउडर। तो 4-5 इलायचियों को हमने कूट के वो मिला दिया और हल्का सा जो येलो फूड कलर है ना वो मिला दिया। तो अब इसे चलाते जाना है। तो गैस हमने लो टू मीडियम रखी है, इसे छोड़ना नहीं है, चलाते ही जाना है। ये देखिए कितना पतला हो गया अभी ये। तो अभी इसे पकाते जाना हमने। तो जब ये हो जाएगा ना तो आपको आगे पता चल जाएगा कि कितना इसको हमने पकाना है। ये देखिए अभी ऐसा हो गया, अभी और पकाना हमने इसे। तो ये अपने आप ही कढ़ाई को छोड़ने लग पड़ेगा। ये देखिए पकाते पकाते इस तरह से जो हो गया कि कढ़ाई को छोड़ने लग पड़ा, देखिए। तो बस अभी इतना ही हमने पकाना है इसे। तो 7 से 8 मिनट लग ही जाते हैं इसे पकाते हुए। तो अभी ये ट्रे ले लिए, ट्रे को हमने घी लगा लिया पहले का। तो आप चाहो तो थाली में भी इसे आप सेट कर सकते हो, थाली में बहुत ही बेटर रहता है। तो ये सारा हमने मिश्रण ट्रे में मिला दिया और हल्का सा टैप किया। और ये घी वाला चम्मच ले लिया, इसे बैक साइड घी लगाया हुआ, तो इसे थोड़ा प्लेन कर देते हैं ऊपर से। तो बहुत जल्दी ये सेट हो जाता है। तो ये देखिए एकदम से मैंने प्लेन कर दिया। और अभी हमने क्या करना है, इसको रहने देना ठंडा होने के लिए। तो अभी इसे रखे हुए 2 से 2.5 मिनट हो गए और अच्छे से ये ठंडा नहीं हुआ, लेकिन इसी समय हमने इसके पीसेस कर लेने हैं। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना फिर इसके पीसेस हो नहीं पाएंगे। तो मैंने सभी पीसेस इसी तरह से कर दिए और अभी इसे सेट होने देते हैं। वो जल्दी ये देखिए सेट हो चुका है। और अभी इसे मार्केट जैसा बनाने के लिए इस पर मैं लगा रही हूँ वर्क, लगा रही हूँ चांदी का। तो ये देखिए अभी लग रही है ना मार्केट जैसी। तो अभी एक पीस पहले निकालते हैं। तो सेंटर से निकाल रही हूँ, तो ध्यान से निकालिए क्योंकि बाकी सारे आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही आसान है। और सभी हमने मिठाई, ये देखिए 1 किलो के करीब होगी ये मिठाई। तो अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम से अच्छे से ये सेट हो गई है। तो ये थी हमारी दूसरी रेसिपी। और अभी फ्रेंड्स हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। तो बिना मावा बिना चाशनी के झटपट से बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना चाशनी के लड्डू बना रहे हैं हम। तो 2 चम्मच देसी घी हमने डाल दिया कढ़ाई में। गैस एकदम से सिम ही रहेगी। तो ये 1 कप ले लिया मैंने। तो अभी 4 कप मैंने नारियल का बुरादा इसमें मिला दिया। कोई भी कप या कटोरी का आप माप ले सकते हो, जितने आपने लड्डू बनाने हैं ना उस हिसाब से। तो अभी गैस कम है तो कम गैस में इसे हमने 2.5 से 3 मिनट तक भून लेना है।
बहुत ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना हमने, तो 2.5 से 3 मिनट में अच्छे से हो जाता है जी। तो ये देखिए इसको हमने भून लिया। अभी अभी हमने इसके अंदर मिला देना है दूध, तो वही कप ले लिया हमने, तो फुल क्रीम दूध है जी, उबला हुआ दूध है, तो इसमें मिला देते हैं अभी दूध। तो दूध को अभी हमने तब तक पकाना है तो जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए, इसके अंदर एकदम से सूख ना जाए, तो तब तक हम इसे कम गैस पे चलाते रहते हैं। अगर गैस ज़्यादा होगी ना तेज वाली, तो ये जलने लग पड़ेगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर लड्डू दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे, तो हमें सफ़ेद वाला कलर ही इसका रखना। तो इस तरह से हमने अच्छे से दूध को अभी मिला लिया, ये देखिए। और अभी इसके अंदर हमने मिला देना है चीनी को, तो जो कप दूध वाला और वही कप मैंने ले लिया चीनी के लिए, और 1.25 कप हमने चीनी मिला दी। तो आप 1 कप भी डालोगे ना तो भी ठीक रहेगा, अगर आप कम मीठा पसंद करते हो तो। अभी हमने चीनी को भी अच्छे से पिघला लेना है, तो इसे भी चलाते जाएं अभी इस तरह से, वो चीनी अच्छे से फिर घुल जाती है। ये देखिए चीनी घुलते ही किस तरह सा ये लिक्विड सा डो बन गया। तो अभी इसे मार्केट जैसा स्वाद बनाने के लिए एकदम से हलवाई जैसा, तो इसके अंदर अभी हम मिला रहे हैं मिल्क पाउडर, तो 1/2 कप हमने मिल्क पाउडर मिला देना है। और ये कोई भी किराना स्टोर से मिल जाता है, इसके छोटे छोटे पैकेट है ना जो 10-10 रुपए के, वो भी मिलते हैं। तो इस तरह से इसको अभी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और तब तक पकाना है जब तक कि ये जो दिख रहा ना हमें ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और अच्छे से पक जाएगा। तो 4 से 5 मिनट इसे पका लीजिए, और तब ये एकदम से मावा जैसा बन जाएगा, स्वाद में भी और दिखने में भी बहुत अच्छा सा। ये देखिए एकदम से पक चुका अभी, और बिल्कुल भी कढ़ाई के साथ नहीं लगा हुआ कोई भी हमारा जो भी मिश्रण है। तो अभी ये हो चुका है, गैस हमने अभी बंद कर दी है, लेकिन अभी ये गर्म है बहुत ज़्यादा, तो इसके लड्डू बनेंगे नहीं, तो इसको हल्का सा ठंडा होने देना है कि हम अपने हाथों में से ये मिश्रण ले सके। तो ये अभी हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो मैंने ये छोटी सी कलछी ले ली है माप के लिए, क्योंकि अगर हम इस तरह से बनाएंगे ना हाथों से तो एक जैसे लड्डू नहीं बनते, तो किसी चीज़ का माप ले लीजिए, तो फिर सारे लड्डू एक जैसे बनेंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे दिखने में। तो इस तरह से बनाइए, और हल्का सा दोनों हथेलियों से इसको गोल कर लीजिए, और इस तरह से ज़रूर करिए क्योंकि इससे बहुत ही गोल शेप बन जाती है। तो ये देखिए लड्डू तैयार हो गया। अभी इसको क्या करना, हमने सूखे वाले नारियल से कोट करना। तो इस तरह से हमने सूखा नारियल रख लिया था, तो ये 1/2 किलो के करीब हमारा ये नारियल का बुरादा था, तो हमने ये वाला जो दिख रहा है ना आप, इतना बचा के रखा है, बाकी सभी के लड्डू बना लिए। तो 400-425 ग्राम होगा जिसके हमने लड्डू बनाए हैं, इतना ही नारियल का बुरादा था। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमने सारे लड्डुओं को बना लेना, तो बहुत ही झटपट से बन जाते हैं और बिल्कुल आसान है बनाना, कोई भी बना सकता है। तो सभी हमने इसी तरह से तैयार कर लिए, झटपट से बन जाते हैं, कोई भी बना सकता है। और अभी आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे हैं। तो कुछ देर बाद ये और भी सख्त हो जाएंगे, अभी तो बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स लड्डू कितने अच्छे लग रहे हैं ना दिखने में, गोल गोल से। तो फ्रेंड्स हमारी चौथी रेसिपी है बर्फ़ी की, सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे, बिना हम मावा के, बिना दूध के, और बिना ही मिल्क पाउडर के मिठाई बनने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चीनी ले ली, 2 कटोरी हमने चीनी ले ली है, कटोरी या कप आप किसी भी चीज़ का माप ले सकते हो। अभी 4 मैंने ले लिए इलायची साबुत वाली, इन्हें बारीक पीस लेना हमने। तो चीनी को मैंने बारीक पीस लिया, अगर आपको दरदरी सी लगे ना तो इसे छान जरूर लीजिए। तो अभी मैंने कढ़ाई रख दी गैस पे, 1 कटोरी ले लिया देसी घी, ये घी ना तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही जमा हुआ है, इस तरह का घी था जी। और अभी हमने 3 कटोरी ना मैदा ले लिया, अभी हमने अच्छे से मिक्स करना है घी और मैदे को, साथ में भून भी जाएगा जी, और बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2 से 2.5 मिनट लगते हैं। इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाना है, और फ्रेंड्स बहुत झटपट से बनने वाली मिठाई है जी, और बहुत ही आसान भी है, अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएं। ये देखिए घी को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, तो अभी इसे मैंने 2.5 मिनट तक ही
इस तरह से मिक्स किया। अब इसके अंदर फ्रेंड्स आधी कटोरी देसी घी और मिलाना है। ये मिठाई सिर्फ घी में ही बनेगी। अभी हमने अच्छे से इसे पकाते जाना है। गैस हमने कम रख ली है। इस तरह से पकाते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए तो हमें 7 से 8 मिनट लग ही जाते हैं। और इस तरह से पकाते हुए ना तो ये इस तरह का बन जाएगा, देखिए लिक्विड सा। अभी हमने क्या करना है, जब इस तरह हो जाए ना, हमने गैस कर दी बंद अभी, और इसे ठंडा हमने करना है इस तरह से हिलाते हुए ही। ये देखिए मैंने आँच से उतार लिया अभी कढ़ाई को, और जब हल्का सा गर्म रह जाए ना फ्रेंड्स तो इसके अंदर अभी हमने मिला देनी है चीनी। जो पिसी हुई चीनी हमने रखी है ना वो आधी चीनी मिलानी है, सारी चीनी नहीं मिला देनी। तो ज़्यादा ठंडा नहीं करना मिश्रण को, तो हल्का सा गर्म होना ही चाहिए, ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। तो हमने इसे नॉर्मल सा रख लिया, तभी इसके अंदर चीनी मिला दी आधी। अच्छे से चीनी को मिक्स कर ले, और चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखिए अभी। तो अभी हमने क्या करना है, जो बाकी बची हुई चीनी है ना वो भी मिला देते हैं। अभी हमने सारी चीनी मिला देनी है, तो दो बार करके चीनी को हमने मिलाना है। अभी इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं धीरे धीरे करके। पहले आपको लगेगा कि बहुत सख्त है, फिर ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि चीनी पिघलने लग पड़ती है ना फिर। ये देखिए इस तरह से हमने तैयार कर लिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अभी फ्रेंड्स हमने क्या करना है, इसे जमने के लिए रख देना अभी। और एक मैंने ले लिए ट्रे, तो ट्रे को मैंने लगा दिया घी। तो मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो अगर आप ट्रे में जमाना चाहते हो ना तो बटर पेपर ज़रूर लगाए, वरना पीसेस निकालने में फिर प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बेस्ट तो रहता है थाली में, थाली को घी लगाइए और उसके अंदर सेट कीजिए बर्फ़ी को। तो इस तरह से मैंने अच्छे से प्लेन कर दिया इसे। अगर ड्राई फ्रूट हैं तो ज़रूर डालिए, वरना इस तरह भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है मिठाई। तो मैंने काजू और बादाम थोड़े छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से इस पर लगा दिए, और हल्का सा इस तरह से इस पर जो स्पैचुला से ना थोड़ा दबा दिया ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अभी इसे हमने 1.5 से 2 घंटे के लिए रहने देना है। ये देखिए अभी इसे रखे हुए 2 घंटे हो गए थे और बहुत ही ये अच्छे से सेट हो चुकी है। और अभी देखिए कितनी सख्त हो चुकी है जे। तो मैंने इसके जब आधा टाइम हो जाता है ना तब इसके पीसेस करने थे, तो कोई काम के कारण ना मुझे ध्यान नहीं रहा, तो इसलिए जी अच्छे से अभी जम चुकी है। तो फिर मैंने पीसेस तो कर लिए, लेकिन आप ऐसा ही करें, जब आधा टाइम हो जाए ना 1.25 घंटा के करीब, तो इसके पीसेस पहले कर लीजिए, फिर इसे जमने दीजिए, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो मैंने बातें बताई है ना उसका ध्यान रखें, और आपकी मिठाई भी बहुत ही बेस्ट बनेगी और स्वादिष्ट बनेगी, कम खर्चे में बनेगी, सिर्फ 3 चीज़ों से बनेगी। फ्रेंड्स हमारी जो 5वीं मिठाई है ना वो बहुत ही झटपट से और बिना गैस जलाए बनने वाली है, सबसे जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसलिए सबसे पहले तो हमने ले लिए काजू, तो 25-30 काजू हमने ले लिए, और साथ ही साथ 4 हमने हरी वाली इलायची ले ली। इनको अभी ना बारीक हमने पीस के इनका पाउडर बना लेना है। ये देखिए ये बारीक मैंने पीस लिए, और एक अभी बड़ा बाउल ले लिया। एक कटोरी हमने ले ली नारियल का बुरादा, कोई भी कटोरी है एक सेट कर लीजिए, चाहे कप कटोरी। और आधा हमने कटोरी ले लिया मिल्क पाउडर। अभी हमने इसके अंदर मिला देना है जो हमने पीस के रखा ना काजू, और वो मिला दिया। साथ ही साथ ये हमने टूटी फ्रूटी है ना वो ले लिए 2 चम्मच, और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके अंदर जाएगी अभी चीनी, तो पिसी हुई चीनी मिलानी है इसके अंदर, तो 2 छोटे चम्मच चीनी के मिला दिए। ज़्यादा चीनी इसमें नहीं पड़ती है क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, तो 2 चीनी के चम्मच बहुत इसमें हो जाते हैं। अभी हमने ले लिया ठंडा वाला दूध, और उबला हुआ दूध है जे। अभी जो ये चम्मच देख रहे हो ना आप, जो सर्विस स्पून है, तो ये 1.5 चम्मच मैंने मिलाया, तो बस इतना ही पहले मिलाएं, और हाथों को अच्छे से धो के साफ़ हाथों से इस तरह से इसे गूँथ लीजिए। दूध ज़्यादा नहीं मिलाना, चाहे तो पहले 1 चम्मच मिलाएं, आधा बाद में मिलाएं, तो इतना ही दूध पड़ा इस पर 1.5 चम्मच ही। इसे थोड़ा सॉफ्ट कर लीजिए हाथों से। अभी मैंने एक प्लेट ले लिया, तो इसको ना इस तरह से मैंने रोल बना लेना।
तो इस तरह से हमने इसे सॉफ्ट सा बना लेना। ये देखिए इसको अच्छे से मैंने सेट कर लिया। अभी मैंने फॉइल पेपर ले लिया और इसको इस तरह से रैप कर लेना अच्छे से फॉइल पेपर में। तो अच्छे से इसे रैप कर लीजिए चारों तरफ से इस तरह से। तो अभी से हमने रख देना फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए, फ्रीज़र में रखना है इसको। तो अभी मैंने फ्रिज में से निकाल लिया। अभी फ्रेंड्स इसके पीसेस कर लेते हैं। और जब एक पीस कर लीजिए ना तो इस तरह से नाइफ को साफ करिए, फिर दूसरा पीस कर लीजिए। तो सारी मिठाई को मैंने इसी तरह से काट के तैयार कर लिया और बिना घी के बिना गैस जलाए स्वादिष्ट मिठाई तैयार है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 5वीं मिठाई की रेसिपी। तो ट्राई ज़रूर करना, अगर अच्छी लगे ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।